Hello children, welcome to Asa Education. Today we will discuss about the part 2, Who I Am, Multiple Intelligences from Honeysuckle Book, Grade 6, CBSE. Each one of us is skilled or good at something. हमारे अपने अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर कोई खूबी होती है, या तो हम में कोई टैलेंट होता है या फिर हम किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं. But do you know that different people are intelligent in different ways? पर क्या आपको पता है कि हर तरह के लोग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस उनके तरीके से होती है. हो सकता है वो किसी और चीज में इंटेलिजेंट हो जिसमें आप ना हो. अब ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस होती है, इसको पता करते हैं. सबसे पहले आते हैं विजुअल इंटेलिजेंस पे, उसके बाद आती है वर्बल इंटेलिजेंस, और फिर तीसरी होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. अब आप इस चीज को पढ़ने के बाद अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सी इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं विजुअल इंटेलिजेंस. विजुअल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं उनको क्या पसंद होता है? यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेम्बर थिंग्स. अब आप लोग खुद सोचो, क्या आपको ऐसा लगता है जब भी आप कोई पिक्चर देखते हो तो उसके बारे में सोचते हो, ये पिक्चर ऐसी क्यों है, उसके बारे में उसकी उस पिक्चर को समझने के लिए एक अपने दिमाग में एक नई इमेज बनाने लग जाते हो, ऐसा कुछ है आपके साथ? यू इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज. और आपको कैसी चीजें पसंद होती है? मैप्स देखना, चार्ट्स देखना, पिक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, मूवीज देखना. ऐसे जो विजुअल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, जो देखने में चीजों को ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसके बाद उसको सोच के अपने दिमाग में एक अपनी ही इमेज बना लेते हैं उस चीज को रिमेम्बर करने के लिए. तो ऐसे लोग आते हैं विजुअल इंटेलिजेंस के अंदर. ये तो आपकी पसंद होती है. अब आप इन चीजों में किसमें अच्छे होते हैं? यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स. अब आपको क्या पसंद आता है, आप किस चीज में अच्छे होते हैं? आप पजल बहुत अच्छे बना सकते हैं, रीडिंग करना पसंद होता है, लिखना पसंद होता है, मैप्स को समझना आपको अच्छा लगता है, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इन सब को चीजों को पढ़ने में समझने में आपको मजा आता है. अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, आप इन सब चीजों में बहुत अच्छे होते हो. आपको क्या पसंद होता है? पेंटिंग करना, कोई चीज खराब हो रही है जैसे टूट रही है तो उसको कैसे जोड़ना है, पिक्चरों को समझना है, स्केचिंग करनी, मतलब एक एम होता है आपका कि हाँ हमें ये काम करना पसंद है. अब इसके बेसिस पर आप क्या बन सकते हो? यू कैन बिकम अ नेविगेटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर. अब इन सब चीजों की जो खूबियां हैं आप में, उसके बेसिस पे आप क्या बन सकते हैं? नेविगेशन जो डायरेक्शंस देते हैं, स्कल्पचर मूर्ति बनाने वाले, आर्टिस्ट इन्वेंटर कोई क्रिएशन करने वाला, आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स बनाने वाले, इंटीरियर डिजाइनर अंदर के घर की प्लानिंग करने वाले, मैकेनिक जो चीजों को फिक्स करते हैं, या इंजीनियर. तो जो विजुअल इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं उनको इन सब चीजों में ज्यादा शौक होता है. दूसरी आती है वर्बल इंटेलिजेंस. अब वर्बल इंटेलिजेंस वाले क्या पसंद करते हैं? यू लाइक टू यूज वर्ड्स इन लैंग्वेज, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स. अब ये जो वर्बल इंटेलिजेंस वाले हैं, इनको बोलना पसंद है, ये शब्दों से खेलते हैं, ये बोलते बहुत अच्छा है, और इनको पिक्चर्स की इतनी जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ अपनी बोलने से, अपने मुंह के वर्ड से ही जो है पूरा काम चिकाल लेते हैं या पूरा काम बना लेते हैं. तो ऐसे लोग किस चीजों में अच्छे होते हैं? स्पीकिंग में, राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू. अब जिस लोगों को, जिनको भी वर्ड्स के साथ शौक है, तो वो ऑब्वियस ही बात है स्टोरी बहुत अच्छी बना लेंगे, क्योंकि उनको दिमाग में उनके वर्ड्स होते हैं कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है, एक्सप्लेन मैं कैसे करूंगा, मैंने किसी की बात सुननी है तो ध्यान से उसके वर्ड्सों को सुनना है, टीचिंग अगर करूंगा तो एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, हंसी मजाक में मैं उसको यूज कर सकता हूँ. ये लोग है ना, वर्ड्स को बहुत समझते हैं और इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं, फिर अपने इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे वो किसी को भी अपना
पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं। अब ऐसे लोग जनरली क्या बनते हैं? पोएट, पोएट हमेशा अपने वर्ड से खेलता है। जर्नलिस्ट, वो इस तरह से बातों को बताता है कि आपको बातों में इंटरेस्ट आता है। राइटर बन सकते हो, टीचर है, लॉयर है, पॉलिटिशियन है या ट्रांसलेटर। जितने भी वर्बल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो सब इन कैटेगरीज में आते हैं। तीसरा होता है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले वो क्या पसंद है? यू लाइक टू यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स। ये हमेशा थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, इनको हर बात में एक लॉजिक होता है। ये चीज ऐसी क्यों हुई, क्या वजह थी, क्या कैलकुलेशंस रही होंगी इसके पीछे कि ये ऐसा निकला रिजल्ट। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अब ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत क्यूरियस होते हैं, इन्हें मतलब वर्ल्ड को जानने की बहुत इच्छा होती है। हमेशा इनको ये लगा रहता है कि इसे ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में मैं जानूं, और कोई कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आया तो मैं पहले उस क्वेश्चन को जान लूं कि ऐसा क्यों होता है। एक्सपेरिमेंट करने का इनका बहुत वो रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्यूरोसिटी होती है, इनमें हर चीज को करने के पीछे एक लॉजिक ढूंढने की हैबिट होती है। अब ये क्या अच्छा कर लेते हैं? यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग पजल्स। अब इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, पजल्स को ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग, अगेन क्योंकि क्यूरियस होते हैं तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्वेश्चनिंग इनकी बहुत होती है। एंड वंडरिंग अबाउट द नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक कैलकुलेशंस, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स। और ये जो है किसी ना किसी चीज को करने के लिए उसके पीछे एक मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या होती है उसको ज्यादा वो करने की कोशिश करते हैं। तभी ये कभी शेप्स से, ज्योमेट्रिक शेप से खेलेंगे, कभी ये पजल सॉल्व करेंगे, कभी कुछ भी करेंगे। हर चीज को करने के लिए ये उसके पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं। अब ऐसे लोग जनरली क्या बनते हैं? ऐसे लोग जनरली साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनते हैं, रिसर्चर होते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं या फिर बनते हैं मैथमेटिशियन। अब इन तीन चीजों की इंटेलिजेंस को समझने के बाद आप खुद अपने आप आइडिया लगाओ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। क्या आप इन तीनों में से किसी में आते हो? बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बट देर आर मेनी अदर्स टू। खाली पढ़ाई में अच्छा होना ही एक इंटेलिजेंस नहीं है। ये अपने आप में एक इंटेलिजेंस है कि हाँ आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन बहुत और चीजें भी होती हैं। क्या आप उसमें भी अच्छे हो? रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स। अब हम फिर तीन इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम उससे ये पता लगाएंगे कि क्या हम इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। Besides studies, क्या हम में और कोई भी इंटेलिजेंस है? Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. और जरूरी नहीं है कि आप में एक ही इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा हो सकता है आप में दो तीन और खूबियां भी हो। तो चलो इसे पढ़ते हैं और फिर पता लगाते हैं कि कौन सी इंटेलिजेंस आपको बेस्ट सूट करती है। सबसे पहले बात करते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस की। यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। अब आप अपने आप सोचो कि क्या आपके बॉडी मूवमेंट्स बहुत कंट्रोल्ड हैं? बड़ा फूक फूक के कदम रखते हो, उस चीजों को बड़ा संभाल के यूज करते हो। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैच और हिट अ बॉल वेल एंड लाइक टू डू डांस। अब फिर अपने बारे में सोचो, इसमें जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो पहले उसमें अपने को रखो उस जगह और फिर सोचो कि क्या मैं इस चीज में फॉल करता हूँ? क्या मेरे में गुड सेंस ऑफ बैलेंस है? मैं बॉल अच्छे से फेंकता हूँ या उसको पकड़ता बहुत अच्छे से हूँ, या मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है? यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, या जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं कुछ याद करता हूँ तो मुझे टहल टहल के घूम घूम के याद करने की आदत है। क्या आप ऐसा करते हैं? यू आर गुड एट डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, माइमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड। यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी। अब आप क्या फिर सोचो कि क्या इन चीजों में आप फॉल करते हो? आपको डांस करना अच्छा लगता है, फिर जिसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है कि हाथों का मूवमेंट होना चाहिए या बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है, क्राफ्ट करना आपको अच्छा लगता है, एक्टिंग पसंद है, किसी की नकल या माइमिंग करना पसंद है आपको, ठीक है, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो किसी चीज को बनाने के लिए, या आप अपने एक्सप्रेशंस जो है वो आपके
बॉडी के थ्रू निकलते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है तब चीजें फेंक रहे हो, या आपको अच्छा लग रहा है तो आप कुछ ऐसी एक्ट कर रहे हो जिससे आपको पता चले कि हाँ आपके एक इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब ऐसी चीजें अगर आप में हैं, आप में ऐसी क्वालिटीज हैं, तो फिर आपकी बॉडी इंटेलिजेंस क्या बनाती है आपको, आप डांसर भी बन सकते हो, एथलीट बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो, यानी कि पीई टीचर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, फायर फाइटर बन सकते हो, या फिर आप क्राफ्ट्स पर्सन बन सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें से कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। अब आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, म्यूजिक पे बजाना और उसको सुनना बहुत पसंद है। यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स। अब आपको बड़ा मजा आता है कि कोई आवाज अच्छी लगती है या उसकी धुन कैसी है, नए नए आवाज के पैटर्न्स होते हैं वो आपको पसंद आते हैं। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, आइदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर। जैसे ही आपके कान में कुछ म्यूजिक पड़ता है, अगर अच्छा होता है तो आपको फौरन तारीफ निकलती है मुझे, अरे वाह कितना अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा है, या अगर आपको म्यूजिक पसंद नहीं आता तो फौरन कहते हो ओह कितना बेकार म्यूजिक बजा रहा है। तो अगर आप में ऐसी हैबिट है तो आप में थोड़ा सा म्यूजिकल सेंस है। यू आर गुड एट सिंगिंग, अब आप में सिंगिंग क्वालिटी होगी, आप सीटी बहुत अच्छी बजाते होगे, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद होगा, ट्यून्स पहचानते होगे, अपनी धुन बनाते होगे, जो भी मेलोडीज हैं या जो भी ट्यून्स हैं उनको याद रखते होगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या रिदम क्या है उस म्यूजिक की। अगर इन सब चीजों का आपको ध्यान रहता है, आप चीजें ऐसे ध्यान में रखते हो, तो आपको म्यूजिकल सेंस है। इसी वजह से आप में एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है जो शायद आपको आगे चलकर म्यूजिशियन बना सकती है, या डिस्क जॉकी बन सकते हो, सिंगर भी बन सकते हो, या फिर आप कंपोजर बन सकते हो। अब थर्ड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के में कौन कौन लोग आते हैं? यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स, आप दूसरों को समझते हो। यू ट्राई टू सी फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। ये नहीं कि आप हमेशा अपना ही अपना करते हो, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। जब भी कोई बात होती है तो पहले आप दूसरे इंसान को उस जगह रख कर उसकी तरफ फीलिंग को सोचते हो, उसके बारे में सोचते हो कि अगर उसकी नजरिए से देखें तो चीजें कैसी हुई होंगी। यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट देयर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो और आप में एक क्वालिटी है कि आप जो है सारे लोगों को जोड़कर एक टीम में वर्क कैसे करते हैं उसको बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो। इस वजह से आप में क्या क्या चीजें अच्छी हैं? सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स मूड एंड फीलिंग्स। अभी आप क्या करते हो कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, सुनते हो, दूसरों के मूड कैसे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप उनको समझते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक टीम वर्क की आप में क्वालिटी है, आप तो बहुत जल्दी पीपल के नोटिस कर लेते हो मूड को, और एक आपस में ट्रस्ट को बिल्ड करने की आप में क्षमता है कि कोई आप पर आसानी से विश्वास कर सकता है। तो जब आप में ये सब क्वालिटीज हैं तो ये आती हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, और ये आपको आगे चलकर क्या बनने में मदद करेंगी, आप काउंसलर बन सकते हो, सेल्स पर्सन, क्योंकि आप में दूसरों की क्वालिटीज को समझने की या दूसरों के इमोशंस को समझने की क्वालिटी है। और ऐसे लोग ही आगे चलकर काउंसलर बनते हैं, सेल्स पर्सन बनते हैं, पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन या फिर टीचर। तो अब ये चीज आपको सोचनी है कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें असा एजुकेशन। बाय।